슈리켄 와쪼! 나마스테! 메이데이 채널님의 아프카바 핫핫 스와가테 미라맘마요 해 아즈맨 짠! 오리가미 스카나제 띠훔 오리가미 에크 자파니 산스크리티 해 함카가즈세 알라그 알라그 치즈엔 바나사쿠테 해 पहले वीडियो में मैंने हिरोशिमा दिखाया था ना बहुत गंभीर वीडियो अगर आपने अभी तक हिरोशिमा वीडियो देखा नहीं तो जरूर देखिए और इसमें ओरिजिनल चीज थी ना ओरिजिनल कागज से चिड़िया बनाते हैं और ये चिड़िया एक पीस का सिंबल भी माना जाता है जापान में और चिड़िया के अलावा बहुत चीजें बना सकते हैं तो आज कुछ चीजें बना के दिखाना चाहती हूँ ठीक है तो शुरू करें ओरी का मतलब फोल्डिंग ऐसे ऐसे फोल्ड करना ओर कहते हैं जापानी में ओरी गामी गामी का मतलब कागज है ठीक है तो ये दो तरह की होती है एक तो बहुत साधारण ओरिगामी है इसमें 180 कागज है और ये भी 100 एम में मिलती है लेकिन ये थोड़ी सी मतलब अच्छी वाली है एक बार सब निकालती हूँ और ना ऐसे गोल्ड वाला भी है ऐसे दूसरा चिजों यूजेन चियोगामी ये बिल्कुल पारंपरिक जापानी कागज है एक्चुअली ये वो है प्रिंटेड है तो इसलिए असली वाली नहीं है लेकिन इसका वो पैटर्न्स है ना कलर ये बिल्कुल पारंपरिक जापानी पैटर्न्स है तो वो ये भी अच्छा है ना पहले मैं सिखाऊंगी चिड़िया बनाने का तरीका सब जापानियों को ये चिड़िया बनाने का तरीका आता है क्योंकि स्कूल्स में बनाते हैं आप बनाने के लिए ये खरीदने की जरूरत नहीं है बस ऐसे कागज कैंची से काट के बनाओ तो आप ये वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ठीक है चलिए चिड़िया बनाती हूँ एक तरह सफेद है दूसरा लाल है तो ऐसे रखती हूँ एक और इधर भी ऐसे अंदर फिंगर डाल के ऐसे करते हैं ठीक है ऐसे और इधर भी सेम थिंग है ठीक है एक बार यहाँ तक ना फोल्ड करती हूँ ये बस एक लाइन लगाने के लिए बाद में पता चलेगा ठीक है ऐसे इधर भी कर सकते हैं पीछे उधर भी दोनों ठीक है बस लाइन लगाना है ठीक है और इसको खोल के अभी जो लाइन लगाया है वहां तक ऐसे फोल्ड करते हैं ठीक है अगर यहाँ कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब ठीक से फोल्ड हो जाएगा हाँ ऐसे करके ठीक है ऐसा करना है पीछे भी और एक बार जो यहाँ लाइन लगाया था वहाँ तक इसको ऐसे वहाँ तक ठीक है ऐसे करते हैं हाँ तो इतना मुश्किल नहीं है देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन अगर करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है ठीक है एक साइड ऐसे और दूसरा साइड ऐसे नहीं कर सकते ठीक है अब ये सेपरेट वाला साइड इधर है ना इधर को फिर ऐसे फोल्ड करते हैं ठीक ना पीछे भी ठीक है अब एक साइड को ऐसे करते हैं मेरा ऐसा था ठीक है चार है एक साइड को ऐसे तो एक
और तीन कागज हो जाएगा और तीन वाले से एक ऐसे वापस करते हैं, ठीक है। अब इसी साइड को फिर फोल्ड करती हूँ ऐसे, ठीक है, और इधर भी ऐसे, ठीक है। अब ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, अब ना फिर इसको फिर ऐसा है, इसको ना ऐसे करते हैं, ठीक है। ओपन, ये दो पिलर है, हाँ, इसको ना एक तरह ऐसे करते हैं, हाँ। तो अब पता चला ना, ये वाला ये चेहरा है और ये दोनों विंग्स है, तो ऐसे ऐसे फ्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा मोटा करना चाहती हूँ, पीछे से हवा डालेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया, तो अब हल्दी वाली चिड़िया बन गई ना, हाँ। तो ऐसे ऐसे उड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, शुरिकेन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। शुरिकेन एक जापानी पारंपरिक हथियार है, अगर आप नारुतो देखते हैं तो देखा होगा शुरिकेन ना ऐसे करके, हाँ। तो ऐसी चीज है, ये बनाने के लिए दो ओरिगामी चाहिए होती है, ठीक है। ये ऐसे ठीक से दबाइए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और सेम थिंग, अभी तक दोनों एक ही है, लेकिन अब से थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगी और इधर उल्टा ऐसे, ठीक है, उल्टा करती हूँ, इधर से ऐसे ट्रायंगल बनाती हूँ और इधर से ऐसे करती हूँ, ठीक है। अब ऐसे करती हूँ, ठीक है, ऐसा था, इधर ट्रायंगल का यहाँ से फोल्ड करके फिर ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है। ये वाला भी ऐसे करके ट्रायंगल बनाऊंगी, ठीक है। पीछे से देखेंगे तो और समझ में आएगा, हाँ, ऐसा था, ऐसे ऐसे कर दिया, अब इधर उल्टा है, ऐसे और ऐसे, ओके, ऐसा बन गया। तो एक साइड को ऐसे फ्लिप करती हूँ, ठीक है, और इसको ना ऐसे ऊपर रखूंगी, अब इधर जो लाइन है वहां से एक बार फिर फोल्ड करूंगी, ठीक है, और फोल्ड करके ना ग्रीन के अंदर डालती हूँ ऐसे, ठीक है, और इधर भी ऐसे एक बार फोल्ड करती हूँ और ग्रीन के अंदर डालती हूँ, ठीक है, और फ्लिप करके फिर एक ही चीज इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर डालती हूँ, ये सबसे मुश्किल है ऐसे, और इधर भी फोल्ड करके अंदर, ठीक है, हाँ, ताराँ, शुरिकेन बन गया, ठीक है, अच्छू, अच्छू, हाँ, ऐसे करके, ठीक है, शुरिकेन बनाने का तरीका, अब सुंदर बड़ी चीज बनाऊंगी, ठीक है। मैंने ये वाला टीथ बनाई है एक में एक मिनट लगता है, तो 30 मिनट लगा ये सब बनाने में। तो अब इसी 30 pieces को इस्तेमाल करके एक चीज बनाऊंगी, ठीक है। ऐसे डालती रहती हूँ ऐसे, 3 pieces में एक पहाड़ बनाती हूँ,
ऑलमोस्ट हो गया, अब लास्ट पीस है। मैं बचपन से ये बनाती हूँ इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट में ये सब मिला के बनाते हैं ना, तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि इसको सेंटर समझो और एक दो तीन चार पांच पहाड़ होंगे, लेकिन कभी कभी छह पहाड़ गलती से बनाती हूँ, तब थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एक सेंटर के पास पांच पहाड़ है, तो ये सब ऐसे। कैसा लगा ओरिगामी? ओरिगामी जापानी पारंपरिक संस्कृति है, हम बचपन में खूब ओरिगामी बनाते हैं और एक्चुअली वृद्धों के लिए भी बहुत अच्छा एक्टिविटीज है। 60 years old, 70 years old बड़े होने के बाद दिमाग और हाथ मतलब सेहत रखना बहुत महत्वपूर्ण है ना, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो स्लो चलने लगेंगे दिमाग और हाथ दोनों। ओरिगामी करने के लिए बनाने के लिए दिमाग और वो फिंगर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये हाथ और दिमाग को सेहत रखने के लिए बहुत अच्छा सा एक्टिविटीज है। तो ये ओरिगामी मतलब सब लोगों के लिए अच्छा होता है और बनाने में मज़ा भी आता है, और वो है ना ये बनाया है ऐसा अचीवमेंट का फीलिंग्स भी महसूस होता है। अगर समय है तो आप ज़रूर बनाइए और बच्चे को या बड़े लोगों को ये सिखाइए, ठीक है। और ओरिगामी बहुत उपयोगी भी हो सकती है। तनायम ये यूजुअली अखबार से बनाते हैं, लेकिन मेरे पास अखबार नहीं था तो नोटबुक का वो कागज़ से बनाया है। हाँ, तो ओरिगामी से ऐसा बॉक्स भी बना सकते हैं। मेरी माता जी हमेशा ये बनाती थी, टीवी देखते हुए ऐसे बनाती थी और कुकिंग करते हुए इस्तेमाल करती थी। जब ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं या प्याज का वो स्किन्स को निकालते हैं तब यहाँ पे डालती थी और इसको ना ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके फेंकती थी ताकि वो स्मेल ना आए या जो भी थोड़ा सा वो जूस निकलती है ना, अखबार थोड़ी बहुत ऐसी पानी को अब्सॉर्ब कर सकती है, तो बहुत अच्छा होता है। ये बनाने का तरीका फिर कभी वीडियो में बनाऊंगी अखबार से। हाँ, तो ऐसा भी करते हैं हम। तो ओरिगामी सुंदर भी है, फन भी है और उपयोगी भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है, तो एक बार दो बार ट्राई करना अच्छा होगा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और मज़ा आया तो जरूर बनाने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, मत दे, बाय बाय।